हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। तो आज हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग के बारे में। तो मैं आपको टू मेथड्स बताऊंगा जिससे आप मोबाइल पर इलेक्ट्रिक गिटार रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी प्रोफेशनल वे में। ठीक है, प्रोफेशनल वे में आप फोन पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जो फर्स्ट वाला मेथड है मेरा, वो है थोड़ा कॉस्टली है, उसमें आपको कुछ कॉस्टली एक्सेसरीज चाहिए। और जो सेकेंड मेथड है वो थोड़ा चीप टाइप है, लेकिन वो भी प्रोफेशनल टाइप रिकॉर्डिंग आपको दे सकता है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा एक्सपेंसिव वाला सिस्टम है रिकॉर्डिंग के लिए, और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे जो हमारा थोड़ा चीप रिकॉर्डिंग का मेथड है मोबाइल पे रिकॉर्ड करने के लिए। तो करते हैं स्टार्ट। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है, हमें क्या क्या चाहिए, तो एक ऑडियो इंटरफेस चाहिए आपको। ठीक है, ऑडियो इंटरफेस चाहिए। ये होता है ऑडियो इंटरफेस, मैं यूज करता हूँ बेहरिंजर का यूफोरिया UMC22। ठीक है, ये मैं यूज करता हूँ। उतना कुछ हैवी ऑडियो इंटरफेस नहीं है, ये नॉर्मल सा है। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल टाइप रिकॉर्डिंग दे सकता है। दूसरी चीज आपको चाहिए क्या, एक ये वाली क्या बोलते हैं इसको, OTG केबल। आप अपने फोन के हिसाब से OTG केबल ले सकते हो। तीसरी चीज आपको ऑब्वियसली एक प्रोसेसर तो चाहिए जिससे आप रिकॉर्ड करोगे। तो मैं यूज करता हूँ Zoom G1X1, जो नॉर्मल प्रोसेसर है। तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको एक गिटार चाहिए इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड करने के लिए, जो मेरा वहां है। जो हमारा Zoom G1X1 प्रोसेसर है वो थोड़ा नाइसी है, नाइसी उससे नाइस आता है। तो नाइस कंट्रोल करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, उसको पावर बैंक से कनेक्ट करना। ठीक है, तो सेकंड ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें हैं, ठीक है, वो आप दूरी रखें, उसको यहां से दूर कर दें, क्योंकि वो उसकी वजह से इसमें थोड़ा ज्यादा शोर आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूं इसको पावर बैंक से कनेक्ट अपने Zoom G1X1 को। तो एक बात और, आपको एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए, जो मैं यूज करता हूं वो है ऑडियो एमुलेशन एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, वो पेड सॉफ्टवेयर है, आप उसको खरीद सकते हैं। तो वो तो आपको चाहिए, उसमें आप रिकॉर्ड कर पाओगे। सबसे बेस्ट मुझे वही लगा फोन में। तो आईफोन का मुझे पता नहीं है, उसमें गैराज बैंड इस टाइप का कुछ आता है, लेकिन आप इस पे ऑडियो एमुलेशन एंड्रॉइड पे जो है आप कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम जो है ऑडियो एमुलेशन सॉफ्टवेयर, वो हम पेड सॉफ्टवेयर है, उसको हम बाय कर लेंगे। और उसमें जो USB OTG वाला सिस्टम है, जिसमें OTG लगती है, OTG वाला सिस्टम हम 500 का वो बाय कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको बाय करने के बगैर OTG उसमें यूज नहीं हम कर सकते। ये मेरा जो है यहाँ, ये एक नॉर्मल सा एम्पलीफायर है, ये कुछ XFX कोई फैक्टर ऑडियो का कोई प्रोसेसर नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल सा एम्पलीफायर है। तो इसके साथ स्पीकर लगाया, तो स्पीकर में मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं यूज बहुत कम करता हूँ, मैं सीधा डायरेक्टली इसको यूज करता हूँ। हम क्या करेंगे, जो ऑडियो इंटरफेस है उसके आगे जो ये उसकी ये वाली उसकी जो होती है केबल, ये USB केबल है, इसके आगे हम क्या करेंगे OTG, ये वाली OTG केबल यहां से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये इसमें कनेक्ट हो गया। अब ये वाली जो है ये हम फोन में लगा पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना, ये जो प्रोसेसर है हमारा, इसमें हम यहां ये इसमें ये मैंने अपनी सी बनाई है, टेप लगाया है, इसमें खराब है ये थोड़ी। तो यहाँ जो है ये USB वाला लगा हुआ है, USB वाली पावर है इसमें। तो ये इसकी आउटपुट केबल है, ये इनपुट केबल है, ये इनपुट केबल गिटार में जाती है। तो ये आउटपुट केबल जो है ये हमने कहाँ रखनी है, कुछ नहीं करना, कोई एम्पलीफायर नहीं यूज करना, कुछ नहीं करना, सीधा क्या करना है प्रोसेसर को ऑन करना है। ये आउटपुट केबल है, जो इसको हमने क्या करना ऑडियो इंटरफेस में लगाना है। ये ऑडियो इंटरफेस है, इसमें हमने लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमारा हो गया ये सिस्टम, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूं पावर बैंक को। तो ये ऑडियो इंटरफेस में आउटपुट वाली केबल यहां लगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो केबल है ऐसी वाली केबल, ये हेडफोन के लिए मैं यूज करता हूं, इसको क्या करना है आपने, ऐसी केबल जो है वो अमेजोन से मिलती भी है, छोटी सी इतनी सी, सिर्फ वो जैक टाइप मिलता है। तो आप क्या करोगे, ये मैंने खुद अपनी बनाई है, मैं थोड़ा इलेक्ट्रिशियन तो मैंने अपनी बनाई है ये। तो इसके लिए आगे मैंने ये हेडफोन वाला लगाया हुआ है पिन। ठीक है, तो इसमें ये हेडफोन की जो वायर है मेरी, ये जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये जो 6.5 mm वाला मोनो जैक है गिटार केबल वाला, ये जाएगा यहां ऑडियो इंटरफेस के जो हेडफोन वाला जैक है उसमें जाएगा ये।
तो अब क्या होगा, जो मेरा ये नॉर्मल सा टूटा फूटा हेडफोन है ये कनेक्ट हो गया। अब क्या करना है आपको, ये हेडफोन आपने लगाना है, ठीक है, हेडफोन लगाना है और फिर क्या करना, ये जो केबल है, ये जो केबल है मेरी ओटीजी केबल, इसको क्या करना है, फोन के अंदर लगाना है, ठीक है, फोन के अंदर लगाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस केबल को लगाऊंगा अपने फोन के अंदर, तो फोन के अंदर लगा के मैं रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन उस टाइम आपको कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि यही एक मेरे पास फोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो माइक जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं बीच में लगाऊंगा रिकॉर्ड करूंगा तो आप सुनना रिकॉर्ड, और लास्ट में मैं आपको सैंपल भी बताऊंगा इसका। अब मैं ऑडियो इंटरफेस वाली केबल अपने फोन में कनेक्ट करने जा रहा हूं, तो अब आवाज बंद हो जाएगी, आप देखना। तो आपने देखा कि प्रोसेसर टू डायरेक्टली ऑडियो इंटरफेस में कैसे जाता है, तो कैसे रिकॉर्ड होता है, सिर्फ इस केबल को आपने लगाना है और रिकॉर्ड करना, ठीक। नेक्स्ट मेथड है रिकॉर्डिंग के लिए, इलेक्ट्रिक गिटार रिकॉर्डिंग के लिए, वो है थोड़ा चीप मेथड है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक चाहिए ये स्मॉल सा एक मिलता है, इसको बोलते हैं साउंड कार्ड, ठीक है, साउंड कार्ड बिल्कुल स्मॉल सा 200 तक मिल जाएगा ये आपको अमेजोन से, ठीक है, मेरे पास राइट का है, ठीक। एक ये चाहिए, दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, आपको एक ये केबल चाहिए, ये वाली केबल, ठीक है। एक तो 6.5 mm है, ठीक है, और यहां से ये 3.5 mm है। ये केबल भी मैंने अपनी बनाई है, ऑक्स केबल को इसमें कन्वर्ट किया, लेकिन आप अमेजोन से ये केबल ले सकते हैं, 6.5 to 3.5 mm मेल टू मेल केबल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो केबल है इसको यूज करके, और इसको यूज करके भी आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, सेम मेथड है हमारा जो ये ओटीजी है, ओटीजी, इस ओटीजी को आपने क्या करना, इस ओटीजी को आपने लगाना इसी में, इसको, इस ओटीजी को इसमें लगाना, ठीक है, ये हो गया ये, हाँ ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा क्या होगा, जो प्रोसेसर है उसमें ये केबल लगानी है। अब ये आउटपुट वाली, जो प्रोसेसर का आउटपुट है उसमें ये वाली जो केबल है जो मैंने आपको बताई वो लगानी है इसके आउटपुट में, ये यहां, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ये जो है ये इसको बोलते हैं साउंड कार्ड, उसके यहां ये दो इसमें ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है हेडफोन वाला, एक होता है माइक वाला, तो माइक वाले में ये हम लगा देंगे, ठीक है, ये मैंने यहां लगा दी। और जो हेडफोन है मेरा, हेडफोन को मैं क्या करूंगा, यहां से जो हेडफोन है इसको भी मैं यहां लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये लगा लिया, छोटा सा सेटअप बना लिया, इसको अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं फोन में इसको इंसर्ट करूंगा, ठीक है। तो आगे सॉफ्टवेयर में क्या आएगा वो मैं आपको अभी बताता हूं स्क्रीन रिकॉर्ड करके। अब मैं जो साउंड कार्ड वाला सिस्टम है मेरा उसको मैं इसमें प्लग इन करने जा रहा हूं, कनेक्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं कनेक्ट करूंगा आप देखना क्या आएगा आगे। अब मैंने डिसकनेक्ट कर दिया, तो आपने देखा जब मैंने ये वाला कनेक्ट किया तो कितनी ज्यादा लहर आई इसकी, बहुत ज्यादा लहर आई है, देखो बहुत ज्यादा, इसका मतलब यहाँ इस वाले में ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड हुआ। तो मैं तो ऑडियो इंटरफेस यूज करता हूँ, आप ये भी यूज कर सकते हो,
जब इससे आप रिकॉर्ड करोगे अपने प्रोसेसर की पैच सेटिंग से, आप वॉल्यूम जो है वॉल्यूम को 10-15 रखोगे, लेकिन जब ऑडियो इंटरफेस वाला होगा उसमें आप जब रिकॉर्ड करोगे वॉल्यूम को 50-54 रखोगे, ठीक है। तो आप देख लेना ये चीज़, क्योंकि इसमें जो है लेयर ज़्यादा आती है, तो आप देखोगे इसमें क्या है, आवाज़ फटती हुई दिखती है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम कम करोगे आवाज़ बहुत क्लियर आएगी। तो ये थे टू मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक गिटार इन मोबाइल फ़ोन, वो भी प्रोफेशनल वे से। इसको अगर आप ऑडियो इंटरफेस नहीं ले सकते तो आप ये वाला 200 रुपीज़ का परचेज कर लें, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, और वो सॉफ्टवेयर आपको पेड है, वो तो लेना ही पड़ेगा आपको, वो कोई पूरा उसमें इफेक्ट्स वगैरह जो आप बाय करोगे वो सारा करके 1500 रुपीज़ तक मिल जाएगा आपको। तो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लेना वो सॉफ्टवेयर। आज रखते हैं इतना ही, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना आप, जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है गिटार के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। टैब्स लेसन स्टार्ट कर दिया है, तो आप, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, वहां आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, टेक केयर।